हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो है मेरे गांव का टूर। आज मैं अपने गांव जा रही हूं और आपको दिखाऊंगी कि मेरे गांव में क्या क्या है और कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए चलते हैं मेरे गांव को। आज 25 जून है और मैं आज जा रही हूँ अपने गांव, क्योंकि आज मेरे गांव में पंचायत के चुनाव हैं और मैं वोट डालने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए जिसमें मैं अपने गांव के बारे में आप सब। तो मैं पहुँचती हूँ गांव, फिर आपको बताती हूँ क्या क्या है मेरे गाँव में। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेतों पर। ये मेरे जो आ रहे हैं वो बड़े चाचा जी है, जो मेरा भाई उनके पैर छू रहा है। अब ये चाचा जी मेरे पैर छूएंगे। चाचा, मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मेरे खेत है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे खेतों में क्या क्या लगा हुआ है। चलिए, क्या क्या लगा रखा है मेरे घर वालों ने। यहाँ तो काफी सब्जी लगा रखी है, बहुत ज्यादा सब्जी लगा रखी है यहाँ तो। वो क्या है उधर? वो तो ये शायद लौकी के पेड़ लगे हुए हैं। ये लौकी के पेड़ लगे हुए और ये शायद इनको क्या बोलते हैं, तुरैया है, टिंडे हैं, मतलब काफी कुछ सब्जी लगी हुई है यहाँ पे। तो गांव में यही प्रॉफिट है कि खेत में सब्जियां लगा लो और फ्री रहो। वो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है मेरे खेत में, एक ये लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, वो छोटी सी मटरिया बनी हुई है गाइस। बाकी में है तो बहुत मजा गांव में। ये मेरा डॉगी है, कितना घूम रहा है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, खेतों में फिर रहा है। देखो ये मेरी फैमिली घूम रही है। आम के पेड़ लगे हुए हैं। मतलब काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं और मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ कि कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं। मेरे को जो भाई ने बताया है वो मैंने आपको बताया, बट काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा घर आ गया। बस 2 मीटर की डिस्टेंस मेरा घर है। गांव में ऐसे ही उड़ कवर ले रहते हैं सारे के सारे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना घर। ये मेरा घर है लेकिन इसका लॉक लगा हुआ है गाइस। गाइस, ये मेरी दादी है, इनकी अच्छी खासी उम्र हो गई है। और दादी कैसी है? चलो वोट डाले अब, ठीक है तभी आए तो यहाँ शुक्र मनाओ। आज हमारे आने पर लाइट है यहाँ, वैसे है ना कभी भी लाइट नहीं रहती। और चलो मैं और दिखाऊँ आपको अंदर से। देसी स्टाइल में गांव की सब्जी, वेरी गुड। ये बुरी भाभी है जो सारे दिन खाना बनाने में लगी रहती है, बर्तन साफ करने में लगी रहती है।
और ये मेरी भतीजी है छोटी छोटी। वोटिंग का क्यों कष्ट होता है वोटिंग में? मेरा पिल्लू परेशान कर रहा है। ये आ गया मेरा नटखट बंदर, ये सबसे ज्यादा नटखट बंदर है मेरा। अच्छा और ये जो मेरी भतीजी है इसने मेरी काफी तारीफ कर दी है कि मैं सुंदर लग रही हूँ। इसको हम बोलते हैं मड़ा, अंदर वाला हॉल है, अंदर वाला इसको बोलते हैं हम हॉल, जिसमें मेरे भैया भाभी रहते हैं। सुबह से प्लानिंग हो रही थी, मेरी मम्मी बोल रही थी कि अपन खेतों पे जाएंगे, तो वहाँ पे है ना एक सत्यनारायण भगवान की कथा करके आएंगे। ये हमारे खेतों पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है, जो कि सिर्फ इतना है कि भगवान खुश हो जाए, बट 100% तो नहीं होंगे क्योंकि मम्मी उनके लिए सामग्री लेके आई है। चलिए हम भी भाग लेते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा में। चलिए बगल की से चलो मामा आग लगा लिया मामला लगे नीचे अपन बता सीधे बैठ जाए यार नीचे लगा नीचे नीचे तक आया उठा दे जाऊँ पर स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट चरण दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो गावे फल पावे पति जत यदि बुझ बिन नहीं दी का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे चरण गौ मैं जित की स्वामी चरण गौ मैं जित की
तुम बिन और न भूला आज कर मैं किसी की बचपन में यहाँ नहाने में बहुत मजा आता था ना, कितना भयंकर मजा आता था बचपन में। पानी कितना भयंकर दे रही है ना।